नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी के पाली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद लॉटरी क्लब में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी की पुण्यतिथि, उनकी तस्वीर को माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डांगी ने कार्यकर्ताओं को कहा कि पार्टी को एकजुट बनाए रखने और आने वाले 2023 में कांग्रेस पार्टी को फिर से सभी सीटों पर जिताकर वापस सरकार बनानी है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर से जुड़कर अभी से प्रयास करना होगा। वहीं अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा रसोई योजना का बहुगान करते हुए कहा कि गहलोत सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए राहत की बात होगी और अच्छी गुणवत्ता वाला खाना उन्हें मिलेगा, जो एक सराहनीय कदम है। कार्यक्रम में महिला जिलाध्यक्ष नीलम बिरला, मोटू भाई चंदानी, मारवाड़ जंक्शन प्रत्याशी जैसा राम राठौर, सौजत विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी रही शोभा सोलंकी, आनंद सोलंकी, कृपाशंकर त्रिवेदी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं डांगी के जार्डन पर मारवाड़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया। यही मैं कहना चाहता हूँ, बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, हम पुनः मिलेंगे आज का इस कार्यक्रम के लिए। संक्षिप्त में यही कहूंगा कि पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लीडरशिप है पाली में, सिरोही में, सारे एकजुट होकर के इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। यही मौका है, आने वाले समय में जैसे सरकार ने एकजुटता दिखाई, 123 वोट राज्यसभा में मुझे मिले और वेणुगोपाल जी को मिले, वैसे ही 123 वोट अशोक गहलोत जी की सरकार को जो है पटल के ऊपर मिले उन्हें, और सरकार स्थिरता के साथ में, पूरी ताकत के साथ में दर्शा दिया कि आने वाले 5 साल पूरी सरकार चलेगी। 2023 तक अशोक गहलोत जी निर्विरोध रूप से जो है मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है और आने वाले वक्त के अंदर और भी ज्यादा मजबूती के साथ में राजस्थान के लिए वो काम करेंगे। इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि गरीबों के लिए, गरीबों के मसीहा के रूप में लिए उन्होंने जो सोच रखी है, आज इंदिरा रसोई का जो उन्होंने ऐलान किया, 358 इंदिरा रसोई आज जो है राजस्थान में स्थापित हुई हैं, उसके लिए हम सब कांग्रेस जन उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हें आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा, हम सब लोग मिल